ट्रेन के संग में लड़के की हत्या कर प्राइवेट पार्ट काटा। नाराज परिजनों ने आरोपियों के दरवाजे के बाहर जलाई चिता। मथुरा में लगी धारा 144 त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया फैसला। लुधियाना पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू ने विधायक तलवार की बीमार माता जाना हाल, मंत्री आशु के घर पी चाय। यूपी में बीजेपी सरकार ने जितना काम किया बनवाने के लिए घंटों बैठना पड़ेगा। डिबेट में बोल पड़े रवि किशन, हो रहा है ट्रोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी भारती समाचार, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। उत्तर प्रदेश के पावर कॉर्पोरेशन कर्मचारी संघ के संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मथुरा स्थित कैंट बिजली घर पर अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गए हैं। प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष गणेश तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी अफसर संविदा कर्मचारियों पर उत्पीड़न कर रहे हैं और उन्हें वाजिब सैलरी भी नहीं दी जा रही है, जिससे उनका घर चलाना मुश्किल हो गया है। लेकिन अभी तक ऊर्जा मंत्री से मिलने के लिए समय नहीं दिया गया है। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अब यहाँ से हटने वाले नहीं है। अब आर और पार की लड़ाई लड़ने को संविदा कर्मचारी संघ तैयार है और बिजली घर पर अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गया है। समान वेतन की रिट कोर्ट से जीत चुके हैं, प्रत्यावेदन दिया गया परंतु हमारी मांग नहीं मानी गई कि हम जब बराबर का कार्य कर रहे हैं तो कुछ घटा के दे दो। हमारी सबसे प्रमुख मांग है ये बिचौलिया ठेकेदार हटा के जो भी दिया जाए वो सीधा सीधा हमें विभाग से दिया जाए। ये मांगें हमारी नहीं मानी जाती हैं। ऊर्जा मंत्री जी तक हमारी बात नहीं होती है तो हम यहाँ अनिश्चितकालीन के लिए बैठे रहेंगे। फिलहाल एक दिन का है आपका? नहीं, अनिश्चितकाल के लिए है, ये चलता रहेगा। मांगे तो सबसे बड़ी यही है कि ये 7,000-9,000 हमारा मिनिमम वेज नहीं है, 15,000-25,000 से कम हमारा गुजारा नहीं हो सकता और समय के घंटे निर्धारित नहीं है। 26 दिन की तनख्वाह हमें दी जा रही है और कार्य हमसे 2400 घंटे 16 घंटे लिया जा रहा है। 8 घंटे निर्धारित हों और हमारा स्टाफ भी पूरा हो, एक फीडर पे कम से कम 4 व्यक्ति हमारे हों 8 घंटे के लिए। उत्पीड़न के शिकार हो रहे हो? हाँ, बहुत अच्छा उत्पीड़न है, उसे अंदर तक हम जानते हैं, उसे उजागर करने का समय आएगा, उसे करेंगे भी। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में जनपद महाराजगंज के नव नियुक्त 135 शिक्षकों को जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभागार में एक कार्यक्रम के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। कार्यक्रम के दौरान जिला अधिकारी एवं सदर विधायक ने जनपद में नव नियुक्त 135 शिक्षकों को, जिसमें 49 महिला एवं 58 पुरुष अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। डीएम ने नव नियुक्ति शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य एवं पठन पाठन के लिए पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम करना होगा। जो जिम्मेदारी मिली है उसे अच्छी तरह निभाते हुए बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करेंगे। नियुक्ति का अंतिम चरण 69,000 शिक्षक जिसमें भर्ती हुए थे, जनपद महाराजगंज में 135 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। उनको आज एक समारोह के थ्रू नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको अच्छे से पठन पाठन का कार्य करने की दीक्षा दी गई। खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली के नगर फरीदपुर की सुनैना मिश्रा ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वायरल कर बताया है कि अपनी इच्छा अनुसार अंतरजातीय युवक सुमित गुप्ता से 21 जून 2021 को शादी किए जाने से नाराज परिजन मारते पीटते तथा जान से मारने का प्रयास करते हैं, जिसकी शिकायतें विभिन्न अधिकारियों से की गई किंतु कोई सुरक्षा नहीं हो सकी। परिजनों द्वारा अभी तक प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ित युवती ने बरेली एसएसपी को पुनः प्रार्थना पत्र देकर अपनी व पति सुमित गुप्ता की जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। जिला बरेली में इसी तरह का एक अन्य मामला पूर्व में चर्चा में आया था, उसी तर्ज पर यह दूसरा मामला सामने पुनः आया है। वायरल वीडियो के पश्चात एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल द्वारा थाना अध्यक्ष फरीदपुर को सुरक्षा हेतु निर्देशित किया गया है, जो तत्काल युवती की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करेंगे। ये भी कहा है कि पूरे प्रकरण की जांच की जाए ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो सके। एक्चुअली मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है, इसलिए मेरी फैमिली बहुत परेशान कर रही है मुझे। आए दिन मारती तोड़ती, अगर गाली गलौज कर रहे हैं, बवाल फैला रहे फजूल का, और हम सब जगह पेस भी हो चुके हैं, तब भी वो इतना गदर कर रहे हैं फालतू का। तो अभी आपने ये लोग जो परेशान कर रहे हैं इनके खिलाफ अभी आपने कोई कहीं शिकायत की किसी अधिकारी के यहाँ? पुलिस कर चुके हैं, हर जगह जा चुके हैं लेकिन कोई मदद ही नहीं मिल रही है हमें। अधिकारी लोगों से क्या आपको आश्वासन मिला? वहाँ बस यही कह देते कि थाने में जाओ, इन सीओ से मिल लो या मतलब दरोगा जी से मिल लो, तो वहाँ जाते हैं तो कोई कुछ करता ही नहीं है, मदद ही नहीं करते हैं। आप किस बड़े अधिकारी से सबसे पहले मिली?
हम वहाँ कप्तान के पास भी जाके पेश हो चुके हैं और मतलब कई जगह जा चुके हैं, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। वो लोग ये कहते हैं कि आप वहाँ मिल लीजिए जाके, मतलब SO से मिल लीजिए जाके, लेकिन वहाँ मिलते हैं जाके तो वो बात कर लेते कि थाने में हम फ़ोन करते रहे, वो आपकी घर पर जाके बोल देंगे, पुलिस भेज दे रहे, लेकिन पुलिस कुछ कर ही नहीं रही कि पहले लड़के लड़की को बुलाओ तब कुछ करेंगे। और लड़के लड़की को बुलाते अगर हम लोग यहाँ आते तो हमारे घर वाले हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो हम लोग कैसे आए। थाना फरीदपुर की रहने वाली एक महिला ने अपना एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने कस्बा फरीदपुर के ही रहने वाले एक व्यक्ति से अंतरजातीय विवाह किया है और उस अंतरजातीय विवाह से उनके मायके वाले नाखुश हैं और कोई भी प्रतिकूल हरकत कर सकते हैं, और उसके संदर्भ में उन्होंने अपने मायके वालों से सुरक्षा के संदर्भ में अपने और अपने पति की सुरक्षा की मांग की है, जिसके संदर्भ में थाना प्रभारी को जाँच करने और सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के जाटापुरी चौराहे पर पूर्व सभासद शारिक एवं पार्षद कासिम वार्ड नंबर 69 द्वारा नगर निगम से एक पानी की टंकी का शुभारंभ एवं निर्माण किया जा रहा है। इसका पूर्व सभासद शारिक ने फीता काटकर शुभारंभ किया। पानी की टंकी से आने जाने वाले राहगीरों एवं सभी क्षेत्रवासी को पानी पीने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे गर्मी होने के कारण सभासद ने ये भी कहा कि नगर निगम से हमने विनती की है कि इस पानी की टंकी के पास वाटर कूलर ठंडा पानी पीने की व्यवस्था की जाए, जिसके चलते आते जाते व्यक्तियों को, माता बहनों बच्चों को पानी पीने की व्यवस्था हो सके। फिलहाल इस समय पानी की टंकी को रखवा कर सामाजिक कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर सभी पार्षद, क्षेत्रीय गढ़वासी एवं समस्त गणमान्य व्यक्ति, समाज सेवी उपस्थित रहे। नगर निगम चौदहवा से पूर्व सभासद रहा हूँ, यहाँ का निवासी हूँ, क्षेत्र की जो जन समस्याओं से भरी बातें मैं परिचित हूँ। हमने से अब से कब लोग 2-3 साल पहले भी यहाँ पैर लगवाया था, तब हमने ये पाया कि एक दिन में 2000 लीटर पानी लोग पी जाते हैं, यहाँ एक बड़ी जरूरत थी। इसके तो मेरा यहाँ आना हुआ था, तो यहाँ पर जो यहाँ के राहगीर हैं, ठेले रिक्शे वाले हैं, मुसाफिर हैं, अगर उनको पानी पीना होता तो 20 रुपये भेजते देते, तब एक लीटर पानी भेजने की बात है। मुझे लगा यह जरूरत है। इस समस्या को लेकर मैं नगर निगम में अली गली की बात हूँ, उन्होंने मेरी बात का सम्मान रखा और आज जब आप कासिम सिद्दीकी साहब जो वो नगर निगम के पार्षद हैं, मेरे बड़े भाई शाहिद अंसारी साहब जो क्षेत्रीय पार्षद हैं, वार्ड नंबर 66 की, हमारे साथ मौजूद हैं, इनके दस्त मुबारक से आज इसकी बुनियादी की जा रही है। मैं इनसे ये गुजारिश करता हूँ कि लोगों को ठंडा पानी मिले। शुरुआत हमने कर दी है, इसका अंजाम तक आप लोग पहुँचाएँ और एक वाटर कूलर का इंतजाम करवाने का जमकर या जिस भी माध्यम से हो सके, ताकि लोगों को ठंडा पानी मिल सके। ये मेरी कोशिश ला दी है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।